दवाइयाँ करनी है लोड और डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं। 40 टन लोड लेके गाड़ी धीरे 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 चल रही है। बहुत दिनों के बाद आज ट्रकिंग ब्लॉग बना रहा हूँ, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा ब्लॉग। सत श्री अकाल एवरीबडी, की हाल चाल, आई होप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज के नए ब्लॉग में स्वागत है। हंगरी से फ्रांस, और अभी फ्रांस का जो नज़ारा है थोड़ा आपको दिखाता हूँ। रोड बहुत अच्छे हैं और पूरी ग्रीनरी है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। देखते रहिए, ये ब्लॉग बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली ये एक ट्रकिंग ब्लॉग है, तो पहले जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी जैसे लग्जमबर्ग की, लिथुएनिया की, माल्टा की, उसमें बहुत सारा प्यार मिला आपका। लेकिन बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि हमको ट्रक ब्लॉग दिखाओ, तो उनकी डिमांड पर ही ये एक ट्रकिंग ब्लॉग लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं अभी अनलोडिंग प्लेस पे हूँ, अभी गाड़ी जस्ट अनलोड हो चुकी है। और ऐसा पार्किंग प्लेस है जहाँ पे रैंप बने हैं, और जस्ट इधर से अभी निकलना है। और बहुत अच्छा है गांव, छोटा सा गांव है फ्रांस का, बहुत खूबसूरत है चारों तरफ। देखिए फ्रांस के पहाड़ों का नज़ारा, गाड़ी अपनी जा रही है 20-30 की स्पीड पे, 24 टन लोड है और गाड़ी भी बेचारी धीरे धीरे चल रही है। देखिए खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे, बहुत दिनों के बाद आज ट्रकिंग ब्लॉग बना रहा हूँ, उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा ब्लॉग। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मौसम बहुत कमाल है आज तो, पूरी धूप निकली है। हाँ, 40 टन लोड लेके गाड़ी धीरे 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 चल रही है। अभी सफर अपना है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और जाना है, मुझे लगता है एक घंटा लग जाएगा ऐसे तो, जैसे ये जा रही है गाड़ी। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, अरे भाई रुक जा उधर ही, धीरे धीरे चल रही है गाड़ी। देखिए 28, 27 क्या हो रहा है, मुझे लगता है रात को पहुंचूंगा आज तो। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, कितना खूबसूरत लग रहा है फ्रांस, चारों तरफ हरा हरा नजर आ रहा है।
छोटे छोटे गांव के रोड हैं, इतने पतले पतले रोड हैं, बड़े ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। श्रीनगर में गाड़ी चलाते थे ना, ऐसे ही लग रहा है, छोटे छोटे रोड और पहाड़ चारों तरफ। एंजॉय कीजिए पूरा नजारा, देखते रहिए। इटली की साइड है वो, इटली में ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, ऊपर स्नो भी है, जैसे स्विट्जरलैंड का एरिया रहता है ऐसा लग रहा है, स्विट्जरलैंड और इटली दोनों का ऐसे लगता है। बहुत ओपन है फ्रांस, खुला खुला एरिया है फ्रांस का, लेकिन कई बार रोड ऐसे आ जाते हैं जैसे छोटे छोटे रोड हैं, पूरी पूरी गाड़ी निकल रही है। छोटे 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 गांव आ रहे हैं, कहाँ ओवर स्पीड है भाई, मैं तो 50 से भी नीचे चला रहा हूँ। ये देखिए फ्रांस के गांव ऐसे रहते हैं, कितनी शांति, साफ सफाई। वो भाई साहब बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं मुझे, निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे। अरे अरे अरे, धीरे 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 धीरे, बहुत ज्यादा डाउन आ रहा है। पहुंचने वाला हूँ, 10 किलोमीटर रह गया अपना, जहाँ पे पहुंचना है
थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो देखिए सामने के नज़ारे। के लिए फिर वापस जा रहा हूँ, फ्रांस में ही है, फ्रांस से जर्मनी का लोड है। काफी अच्छा एरिया है इधर, जो पहाड़ों का एरिया है, इटली की साइड और स्विट्जरलैंड की साइड है ये वाला, ये जो एरिया है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ फ्रांस, क्या नजारा है। वो पहाड़ों के ऊपर घर बने हैं, टनल आ गई। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ी नजर आ रहे हैं। लो जी, गाड़ी हो चुकी है लोड फ्रांस से जर्मनी, लोकल ट्रिप है जर्मनी का, और वहाँ से जर्मनी से फिर आगे शायद हंगरी का ट्रिप मिलेगा। तो ऐसा रैंप है, सब मेडिसिन लोड है, आज मेडिसिन लोड की है। दवाइयाँ करनी है लोड और डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, यहाँ से फिर निकलते हैं अभी और आगे का नज़ारा जो है कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए वीडियो।